हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने वाली भाजपा के भीतर अहिरवाल बेल्ट में सबसे ज्यादा राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। आपको बता दें, हरियाणा में पार्टी ने अहिरवाल बेल्ट में 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा सरकार बनाने में इस इलाके का सबसे अहम रोल होने के कारण यहां के गद्दावर नेता और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को माना जा रहा है। वही हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजे आने के बाद से ही राव इंद्रजीत सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स की राह पर चल पड़े हैं। आपको बता दें, रिजल्ट आने के बाद से ही राव इंद्रजीत सिंह पूरी तरह से एक्टिव है और चुनाव जीते 9 MLO से अब तक मुलाकात कर चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उनके संपर्क में अब तक 15 से ज्यादा MLA हैं। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कयास लगाई जा रही है कि वे मुख्यमंत्री पद का दावा कर सकते हैं। इस विषय को लेकर इन दिनों मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें, हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा माना जाता है। इंद्रजीत सिंह ने इस बार अपने पसंद से अहिरवाल की 11 में से 9 सीटों पर उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाया था, जिनमें सभी चुनाव जीत गए। इनमें से अटेली सीट पर उनकी बेटी आरती राव ने चुनाव लड़ा था और बेहद ही कड़े मुकाबले के साथ उनकी बेटी ने पहले ही चुनाव में जीत हासिल की। राव इंद्रजीत सिंह बेटी आरती राव को नई सरकार में मंत्री बनाकर इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह के संपर्क में अब तक 15 MLA आ चुके हैं और ये भी हो सकता है कि हरियाणा में भाजपा का मुख्यमंत्री बदल भी सकता है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह के 15 MLA साथ आने के साथ बीजेपी का मुख्यमंत्री नायब सैनी की जगह राव इंद्रजीत को भी बनाया जा सकता है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये खबर इन दिनों मीडिया में खूब चल रही है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।